गुड मॉर्निंग ट्रैवलर्स, मैं मयंक एक बार फिर आ गया हूँ द ट्रैवलर कार्ट में। एक और छोटी सी जर्नी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। शेड्यूल इतने ज़्यादा बिजी चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है ना, तो मैं ना तो कहीं बाहर जा पा रहा हूँ, ना तो आप लोगों के लिए कुछ शूट कर पा रहा हूँ। तो मैं उसके लिए आपसे बहुत 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 माफ़ी मांगता हूँ। अब वीडियो ज़रूर आएंगी और लगातार मैं कोशिश करूँगा वीडियो हर वीक डालता रहूँ। तो अभी हम हैं दिल्ली में, दिल्ली में न्यू दिल्ली में। भैया बहुत ही हेक्टिक सा था, रात बहुत ही वाहियात सी गुजरी। RAC में हमने टिकट बुक किया था मसूरी एक्सप्रेस का, बट वो क्लियर हो गया तो पूरी सीट मिल गई थी। तो अभी हम लोग ये मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं माता झंडे वाली के दर्शन करने से। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं माता झंडे वाली। सबसे पहले आपको थोड़ा सा झंडे वाली माता के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे माता वैष्णो की शक्ति है और ये 18th सेंचुरी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे पहले पूजा के लिए बहुत बड़े बड़े झंडे हुआ करते थे, ध्वजा हुआ करते थे, इस वजह से यहाँ पे इसको माता झंडे वाली बोला गया है। तो अब समय आ गया आपका ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए, सीधा आपको ले चलते हैं माता झंडे वाली के दरबार। तो चलो सौम्य इधर देख, से हेलो। हाय। इसका इंट्रोडक्शन में बाद में दूंगा, ये किसी काम की नहीं है। चलते हैं माता रानी के दर्शन करने बिल्कुल चुपचाप। कैमरा अलाउड हुआ, दर्शन करा पाया तो ज़रूर कराऊंगा, और नहीं करा पाया तो जय माता दी आप लोग खुदा के दर्शन करिएगा। मंदिर इतना बड़ा बन गया, पूरा जैसे हर जगह कॉरिडोर बन रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे भी बहुत अच्छा कॉरिडोर बन गया। अब मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ बिल्कुल शांति से। आप लोग जल्दी जल्दी दर्शन कर लो माता के, माता अंदर बैठी है। माता झंडे वाली के प्रमाइसिस ना बहुत ही सुंदर कर दिया, और अभी भी यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब ये पूरे का पूरा हॉल वॉल सब तैयार हो गया होगा। तो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से विग्रह स्थापित हैं और कौन सा सुंदर सुंदर मंदिर बना रखा है। मतलब दर्शन करके ही ना मन तृप्त हो जाए ऐसा। चलो I'm not afraid.
पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो देखो ऊपर छुपा रखे, छुपा के अंदर ढक रखा है चीज़ें। ये शायद बहुत जल्दी इनॉग्रेशन के बाद खोला जाएगा। लोग इसका जो प्रमाइसेस भी है देखो, पिलर्स वगैरह काम कितना सुंदर हो रहा है। वो बैठी है माता झंडे वाली, और यहाँ पे हर जगह पूरा गुम्बद लग रहे हैं, टेम्पल्स बन रहे हैं, ऊपर पत्थर की घिसाई हो रही है, तो लाइक बहुत ही सुंदर। आई गेस रात में तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगता होगा, लाइक बहुत ज़्यादा चमचमाता होगा। तो यहाँ से माता झंडे वाली की मैंने आपको शक्ति बताई कि यहाँ से माता वैष्णो की शक्ति है, 18th century में डेवलप हुआ था। छोटे छोटे बच्चे हेलो बोलो, तो यहाँ पे तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिले। मैं आपको मंदिर के पूरे दर्शन करा देता हूँ एक बार। आपके टीचर ने देख लिया वीडियो फिर? अच्छा टीचर ने भेजा है, मैं बताता हूँ। आप सब लोग हेलो बोलो, बोलो जय माता दी, जय माता दी। मैं बताता हूँ आईडी। दिस वॉज ऑल अबाउट माता झंडे वाली माता, और हमें आते आते इतना टेस्ट चीज़ का प्रसाद मिला है। तो क्यूट क्यूट बच्चे मिले थे जो पहले बोल रहे हम स्कूल बंक करके आए, बट फिर उन्होंने स्कूल बंक नहीं किया होगा, छोटे बच्चे हैं। ये देखो बाहर से माता झंडे वाली का प्रमाइसिस ऐसा दिखता है। तो लेट मी जस्ट इन्जॉय दिस टेस्टी टेस्टी प्रसादम, और इसके अंदर है हलवा चना, तो इसे खाते हैं और माता के गुण गाते हैं। चलो, और ये देखो डस्टबिन के पास कौन बैठा है। माता का प्रसाद सुबह से कुछ खाया भी था, ये डबल ट्रिपल चौपल टेस्टी लग रहा है। अब आपको ले चलूंगा मैं अगले स्टॉप पे, तो चलो।